हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने 10th के डे 16 की बात करते हैं। डे 16 में आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें का के ई भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें भी आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाउन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला का क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल शैल, यानी विल शैल के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी अगर हम विल यूज करेंगे तो विल नॉट, अगर शैल यूज करेंगे तो शैल नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें का भी रहे और नहीं भी रहे, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट विल नॉट और शैल नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ राम गा नहीं खाए आम, मतलब राम आम नहीं खाएगा। देन यहाँ पे मैंने राम और देन इज, अब यहाँ पे आपको पता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल सेंटेंस में कि विल कहाँ यूज होगा और शैल कहाँ यूज होगा। तो आप खुद बता सकते हैं, अगर राम है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ विल एंड नॉट। और अगर यहाँ पे मैं लिखा है मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, आई और आई के साथ क्या होगा, शेयर, आई के साथ हमने शेयर एंड देन नॉट, दिस इज अ सिंपल फॉर्म, दैट्स इट। ओके, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बस करना क्या है, आपको विल नॉट या शेयर नॉट लगाना है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको विल और शेयर का नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दिस इज, आप देख रहे हो कितनी, अब आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं सेंटेंस को समझने में। यही बस आपको जो भी एफर्ट लगाना है स्टार्टिंग में ही लगाना है कि स्टार्टिंग में आपको बस पोजीशन पता करनी है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होगी, और आगे चल के सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको बस हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, बाकी फॉर्मूले तो आपको पता ही है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा। देखा, छुट्टियों में आपने समझ लिया कि किस तरीके से हमने नेगेटिव बनाना है। इसी तरह से आगे के भी हम जो रेस्ट ऑफ फॉर्म है हम उसको करेंगे। सो डेफिनेटली मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा एक्सरसाइज, प्लीज जरूर उसको सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अप दिस टाइम। सो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड विश यू गुड लक।